यार आज मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं फाइनली इंडिया आ रहा हूँ। मैं दिसंबर में इंडिया आ रहा हूँ और मैंने अभी अभी टिकट कराई। ठीक है, अभी मैंने ना दो तीन टारगेट सेट कर रखे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं जब इंडिया आ जाऊँगा ना, तो उसके बाद मैं अभी तक तीन चाय पी रहा था ना। अभी मैं इंडिया आने के बाद कम से कम 6 बार कटिंग पीऊंगा दिन में, उसके बाद 3 बार वड़ा पाव खाऊंगा और 1 बार समोसा खाऊंगा हर दिन का। ठीक है, 15 दिन रहने वाला हूँ मैं और 15 दिन हर यही मेरा टारगेट है। ठीक है, मैं इसको हर दिन कंप्लीट करूंगा। लेकिन ये टारगेट के साथ साथ मेरा बहुत सारा प्लानिंग्स भी है। फॉर एग्जांपल मैंने जितने बड़े बड़े सिटीज है, सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली वगैरह है ना, लुधियाना, तो उस सिटीज़ में एक इवेंट होस्ट करने वाला हूँ। उस इवेंट में क्या रहेगा कि है ना, जितने भी कॉलेजेस है, जितने ये शेरिडन है, सेंटिनियल है, उसके बाद उसके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है, और उस वो लोग तो आएंगे ही आएंगे उस इवेंट में। उसके साथ साथ है ना, ये जितने भी लोन वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल ICICI, SBI, उसके रिप्रेजेंटेटिव है, वो वहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, सो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ना मेरे इंस्टाग्राम जाके, इंस्टाग्राम पेज है उसकी जो स्टोरी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये आपकी स्टोरी है, उसको आप क्लिक करिएगा। वहाँ पर एक वोट रहेगा, ठीक है, आप कौन से सिटीज़ में हो उसका वोट करिएगा। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा वोट रहेंगे उसके हिसाब से मेरे को प्लानिंग करनी है, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ प्लान किया है कैसा होने वाला है और मैंने उन लोगों से बात किया है जो लोन वाला है उन लोगों से। सो दे विल लाइक, यू नो, वी विल डू दिस, राइट, दिस इज द बेस्ट थिंग। और उसके बाद अभी मुझे ये भी पता नहीं है कि कौन से जगह सिटी में अच्छी है, तो मुझे आप कमेंट में ये भी बताएंगे कि सिटी में कौन सी अच्छी जगह है जहाँ पर हम लोग इवेंट होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और या आज हम लोग वीडियो में वही बात करने वाला है कि इंडिया, ये जितने हम लोग काम करते हैं, ठीक है, मैं जहाँ काम करता हूँ, तो उसका एक्चुअल एनवायरमेंट कैसा होता है, राइट, तो वो सारा का सारा मैं भी आपको लेके जाने वाला हूँ। ठीक है, लेट्स गो देयर। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, आपको दिख रहा है कनाडा पोस्ट का लोगो, बहुत अच्छा लोगो है, देखो इंडिया पोस्ट से बहुत अच्छा लोगो है ना ये। ठीक है, तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर लोगों के शिपमेंट्स लेता हूँ, लोगों के पार्सल्स लेता हूँ, यहाँ फिर पैसे भेजता हूँ मैं, और सारे की सारी जितने भी चीज़ें यहाँ पर मैं करता हूँ। सुबह 8 बजे आता हूँ और 3 या 4 बजे तक काम करता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद मैं घर चला जाता हूँ ऑफकोर्स। और उसके बाद मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी कि यहाँ पर मैं क्या क्या काम करता हूँ और किस किस तरह के काम करता हूँ। एंड ऑल्सो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर ये काम आसानी से कर पाता हूँ या फिर बहुत सारा मेहनत या फिर वो सब लगता है। ठीक है, सो बेसिकली जब मैं यहाँ पर अंदर आते हैं लोग, यहाँ पर मैं खड़ा रहता हूँ, यहाँ पर ये मेरा कंप्यूटर है यहाँ पर। एंड मेरे को क्या करना है, ये जितने भी कार्ड्स वगैरह रहते हैं, तो उन सभी चीज़ों को सेल करनी है, जैसे कि ये एनवेलोप है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आपको 249 में ये एनवेलोप है, उनको सेल करना है मुझे। उसके बाद यहाँ बॉक्सेस पड़े रहते हैं, उनको सेल करना रहता है। एंड ऑल्सो इफ आई टेक यू टू दिस, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर उनका पार्सल वगैरह आता है तो यहाँ पर उसको रखता हूँ, ये अपना स्केल है, और उसके बाद वो स्टेप वगैरह करता हूँ उस पार्सल को, और हर एक चीज़ करता हूँ। अगर कोई पेमेंट करना है तो यहाँ पर ये इनका पेमेंट का है, तो ये लोग पेमेंट करते हैं वहाँ पर। एंड अभी देखो ये हम लोग नाश्ता करके खड़े हैं यहाँ पर। अभी हम लोग ने राइस खाए थे और ये अभी दाल है वो खाई थी हम लोगों ने, दाल भात खाए थे, गुजराती लंच। ठीक है, तो उसके बाद ये देखो ये मेरा कंप्यूटर है, और बेसिकली मुझे जितना भी काम करना हो मुझे इसी में काम करना है। एंड या अगर कोई पार्सल लेके आता है तो उसको यहाँ पर ऐसे स्कैन करना है। चलो मैं आपको एक सैम्पल दिखा देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई अगर ऐसा मेल लेके आता है यहाँ पर, ठीक है, कोई ऐसा ऐसा मेल लेके यहाँ पर आता है, तो व्हाट आई हैव टू डू इज़ आई टू अटैच अ स्टैम्प ओवर हियर। ये स्टैम्प आपको दिख रहा है, तो ऐसा स्टैम्प मुझे लगाना है और फिर मुझे इसको यहाँ पर ऐसे लगा देना है, यहाँ पर रख देना है उसके बाद। और उसके बाद ये जितने भी स्टैम्प्स रहते हैं कैनेडा के, ठीक है, हमारे इंडिया में कैसा स्टैम्प्स रहते हैं वैसे ये कैनेडा के अपने स्टैम्प्स रहते हैं, तो मुझे उस स्टैम्प्स पे हर एक जगह पर लगाना है उसके, और एक चीज़। उसके बाद अगर पैसा वगैरह भेजना है तो मुझे ये कंप्यूटर से हर एक चीज़ करनी रहती है। आई डोंट थिंक आई कैन शो यू दिस थिंग, द स्क्रीन थिंग, बिकॉज ये इनका सिक्योरिटी का फिर इशू हो जाता है। और उसके बाद या बेसिकली ये अगर प्रायोरिटी वगैरह जो भी होता है तो मुझे वो सब चीज़ें सेल करनी रहती है। तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैं ये करता हूँ कि अगर किसी को कुछ भेजना है, ठीक है, तो यहाँ पर ये बार कोड वगैरह आता है तो उसको मैं स्कैन करता हूँ, और आपको दिख रहा है उनको बताता हूँ कि ये नेक्स्ट डे डिलीवरी में पहुँच जाएगा, ये उसको प्राइस बताता हूँ मैं। और उसके बाद हर एक चीज़ करने के बाद मैं ये बार कोड वगैरह जो भी होता है वो मैं स्कैन करता हूँ। सॉरी, मैं ये डिटेल्स नहीं दिखा सकता क्योंकि ये फिर इनका पर्सनल डिटेल्स हो जाता है, राइट। और उसके बाद ये स्टैम्प वगैरह है वो मैं सब चेक करता हूँ। और एक चीज़ मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको रखता हूँ स्केल में, वो स्केल आपको दिख रहा है वहाँ पर, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ये वेट वगैरह कितना है। एंड मतलब वेट वगैरह ज़्यादा है, लाइक उनका अपना एक अलग क्राइटेरिया है। और उसके बाद और एक चीज़ मैं करता हूँ कि इनके साइज़ का भी रहता है कि अगर इतनी साइज़ में जाएगा ये, ठीक है, तो उसका उतना चार्ज होएगा। उसके बाद अगर इतनी साइज़ रहेगी तो उसका अलग चार्ज रहेगा। और उसके बाद हर एक चीज़ करता हूँ। और फिर अगर कोई पार्सल अगर इंडिया से बाहर भेज रहे कोई, ठीक है, तो उनका अपना एक अलग होता है, तो वो चीज़ करता हूँ। आई ऑल्सो डू दिस मनी ऑर्डर स्टफ, मनी ऑर्डर वगैरह करता हूँ मैं, ठीक है। तो
तो ये हर एक चीज़ है, जैसे कि ये मतलब उनका चेक वगैरह रहता है वो करता हूँ, उसके बाद ये स्टैम्प्स वगैरह बेचता हूँ। मैंने आपको बोला ना, ये देख रहा है स्टैम्प्स, बहुत अच्छे स्टैम्प्स है ना, ये अलग अलग टाइप के, अलग अलग कलर के है ना, उस टाइप का करता हूँ। एंड उसके बाद अगर कोई पार्सल लेने आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसी ये नोटिस लेके आता है, ठीक है, तो ये नोटिस में नीचे ना एक बार कोड लिखा रहता है, ये देखो नीचे दिख रहा है ये, तो बार कोड मैं स्कैन करता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद ऐसे स्कैन करने के बाद तो यहाँ पर ये उनकी डिटेल डिलीवरी डिटेल्स वगैरह आ जाती है। तो फिर मुझे ना उसमें उनको पार्सल अंदर पिकअप करके उनको देता हूँ, मतलब जो यहाँ गोडाउन रहता है उनका, तो उसमें पिकअप करता हूँ। आई कांट शो यू दैट बिकॉज उनका फिर सिक्योरिटी का इश्यू हो जाता है ना, और या फिर और उसके बाद है ना ये जितने भी रिपोर्ट्स रहता है, ठीक है, ये देखो ये आपको रिपोर्ट दिख रही है, पूरा का पूरा रिपोर्ट्स प्रिंटेड है, तो ये मुझे रिपोर्ट्स वगैरह इसका बनाना पड़ता है, मतलब इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट रहता है कि किस तरह से क्या करना होता है, तो मुझे वो रिपोर्ट्स भी बनाने रहते हैं। एंड उसके बाद वो रिपोर्ट्स बनाने के बाद मुझे ना ये सब चीज़ें लिखने की, कितना क्या हुआ, और उसके बाद मतलब एक पेज में आई जस्ट कांट डू दैट, कांट शो यू दैट थिंग, है ना, तो बस यही सब चीज़ें मैं करता हूँ। और उसके बाद ये जितने भी सारी यहाँ पर चीज़ें हैं कंप्यूटर में, जैसे कि स्टैम्प बेचना, उसके बाद क्लॉक स्टूल, उसके बाद शिपमेंट रिसीव करना, मैनेज करना, उसके बाद इन्वेंटरी देखना, है ना, हर एक चीज़। अगर कोई वहाँ से कोई चीज़ लेता है तो उसकी इन्वेंटरी मुझे कंप्यूटर में डालने कि इन लोगों ने इतना लिया, अगर कोई वहाँ से उठाता है, ठीक है, तो उसका मुझे ध्यान रखना है कि किसने क्या क्या उठाया वगैरह वगैरह। और ये कार्ड्स वगैरह है वो डेबिट कार्ड्स के जैसे है, जैसे कि ये आपको अमेज़न का कार्ड दिख रहा है ये, उसके बाद ये गिफ्ट कार्ड से अलग अलग, ठीक है, हमारे इंडिया में भी मिलता है ये सारे के सारे, वहाँ पर टेप वगैरह पड़ा हुआ है ऊपर वहाँ पर, और यहाँ पर ये सप्लाईज है। नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस इज़ दैट आई लव वर्किंग हियर, यू नो वाई, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लड़की आती है, आई एम किडिंग। एंड या यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये छोटा सा पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर, ये वाला जो ये रेड कारपेट आपको दिख रही है ना, वहाँ से लेके यहाँ तक वो पोस्ट ऑफिस है पूरा, और उसके उस साइड है ये ग्रोसरी स्टोर है वहाँ पर, मतलब वहाँ पर मेरा दोस्त काम करता है उस साइड, तो वहाँ पर वो लॉटरी वगैरह भी करते हैं, ठीक है। वो उनका क्या काम है कि ये जितनी भी आपको दिख रही है ना, जैसे बिस्किट्स वगैरह हर एक चीज़ है, तो वो सब वहाँ पर बेचना है, और उसके बाद उसका पेमेंट कलेक्ट करना है, वह हर एक चीज़ है, राइट। और वहाँ पर आपको लॉटरी दिख रही है, ये दिख रो, ये वाला लॉटरी का है, ये वो 1 मिलियन दिख रहा है ना आपको, तो लॉटरी भी सेल करता है। लॉटरी का अपना अलग फंडा है, किस तरह से काम करना है, किस तरह से, मतलब लॉटरी में हम लोग इंटरेस्ट ज़्यादा लेते नहीं है। ये देखो, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते नहीं कि हम लोग यहाँ पर गधों की तरह काम करते हैं, मतलब कनाडा जाके लोग गधों की तरह स्टूडेंट्स काम करते हैं, देखो ये 100% सच भी नहीं है, ठीक है। ये देखो अभी मैं चाय बना रहा हूँ यहाँ पर, ये किस तरह से मैं चाय बनाता हूँ, ये देखो ये माइक्रोवेव टी है, ठीक है, हम लोग कैसे इंडिया में अलग अलग टाइप का, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ये मिल्क लेके आता हूँ यहाँ पर काम की जगह पर, ये देखो थोड़ा सा एक टी बैग डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया, और उसके बाद थोड़ी सी शुगर डाल दी, उसके बाद इसमें ये देख रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसे हो गया, और ये इसमें मिल्क डाल दिया, ठीक है, और ये अपने एवरग्रीन पार्ले टोस्ट, ठीक है, तो इसके साथ हम लोग चाय बना के पियेंगे, खाएंगे, मज़े करेंगे, मज़े तो नहीं बोलेंगे लेकिन चाय क्या है, अगर चाय होती तो जान आ जाती है, राइट, तो बस वही है। ये देखो मैं और मेरा दोस्त, ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, इस चाय को ये माइक्रोवेव दिख रहा है आपको, तो उसके अंदर डाल दूँगा, इसके अंदर ऐसे करके ऐसे, एंड इसको मैं यूजुअली 1 मिनट और 30 सेकंड के लिए रखता हूँ ऐसे करके, ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूँ कि ये अभी उभरा तो मतलब वो उबर के बाहर तो नहीं आ जाएगा। देख रहे हो अभी मेरी चाय यहाँ पर बन रही है, सिर्फ चाय नहीं बन रही है, पूरा दिल मेरा है ना उबल के बाहर आ रहा है ऐसे। देखो अभी आपने जो भी देखा ना वीडियो में वो बहुत अच्छा था, लाइक वन ऑफ द बेस्ट पार्ट टाइम जॉब है कैनेडा पोस्ट में, ठीक है, लेकिन ये हर जगह पर ऐसा नहीं होता है, उसका रीज़न ये है कि है ना उनका अपना होता है फंडा, और बहुत सारी जगह पर फ़ोन वगैरह भी यूज़ करने नहीं देते, उसके बाद ये जो बेकरी वगैरह की जॉब्स है वो इतनी आसान नहीं रहती, ठीक है। मेरे आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मुझे जो हमारे ऑनर है वहाँ पर कैनेडा पोस्ट के, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे है और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, यू नो, माँ बाप की तरह है वो। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दैम इज़ लाइक, यू नो, उन लोगों ने वहाँ पर एनवायरमेंट ऐसा बना रखा है कि किसी को प्रॉब्लम्स नहीं होती है ज़्यादा, और अगर प्रॉब्लम्स होती भी है तो बहुत अच्छे से आसानी से सॉल्व हो जाती है, लाइक वन ऑफ द बेस्ट पार्ट टाइम जॉब। आई एम जस्ट थैंकिंग गॉड कि मुझे ये जॉब मिल गई। नाउ द बेस्ट, यू नो, मेरा वहाँ पर काम सिर्फ ये नहीं कि मैं सिर्फ पार्सल लूँ वगैरह वगैरह, उसके बाद मेरे दूसरे भी काम से, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर साफ सफाई करनी क्लोजिंग के बाद, वो मैंने आपको दिखाया नहीं लेकिन वो बेसिक सी चीज़ है, राइट।
अभी देखो मेरा है ना वहां पर आई लव टू डू दैट जॉब, उसका रीजन ये है कि मैं सिर्फ उन लोगों के मुंह पे स्माइल लाना रहता हूँ, राइट। वहां पर जो भी आता है कस्टमर, ठीक है, तो उनके मुंह पे स्माइल लाना इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। अभी आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मुझे ना स्माइल करा दे मेरे फेस पे। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, वहां वोट करिएगा कि आप कौन से सिटीज में हो, राइट, कौन से सिटीज से हो, ताकि हम लोग वहां पर इवेंट होस्ट कर पाए। लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी सिर्फ 2 महीने है दिसंबर को एंड प्लानिंग बहुत ज्यादा करनी है, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप वहां पर जाके वोट करिएगा, क्योंकि प्लीज प्लीज जस्ट डू दैट, ऑलराइट, जस्ट डू इट, ओके। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।